राकेश मेहरा का नमस्कार। आज 27 अक्टूबर 2021 है और आज आपका आरएएस प्री 2021 का पेपर था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। पेपर को बैलेंस भी बताया जा रहा है, रोहिड़ा के बारे में भी पूछा गया, इसके अलावा जो लोकायुक्त हैं उसके बारे में भी पूछा गया, आर्टिकल 169 के बारे में बहुत ही एक एनालाइज तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, रीजनिंग भी अच्छी बता रहे हैं, कुछ हद तक मैं कहूं तो बैलेंस था। अब इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी? दरअसल क्या है, मैं उदयपुर आया हुआ हूं फैमिली के साथ में, लेकिन आपका पेपर देखा और पेपर को देखने के बाद में दिमाग में जस्ट क्लिक किया कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। हालांकि मैंने अभी जो तैयार की है चार कैटेगरी के लिए की है, जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी। पूरा आकलन मैं जयपुर आने के बाद करूंगा। मेरा जो आकलन है ये 2016 और 2018 की जो कट ऑफ रही है उसके बेस पर है। हालांकि जो पेपर का लेवल यदि मैं कहूं तो 2016 के आसपास आप इसको कह सकते हो, लेकिन 2016 से 2021 के बीच में स्टूडेंट का लेवल भी बढ़ा है, उसके सोचने का तरीका भी बढ़ा है। इस कारण से जो कट ऑफ रहेगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है ये 80 प्लस के आसपास रहेगी। प्लस का मेरा मतलब है प्लस दो या माइनस दो कर सकते हो, आप मोटे तौर पर 80 कह सकते हो, 80। और एससी की जो कट ऑफ रहेगी ये 72। इसमें भी आप जो मार्जिन ले सकते हो प्लस माइनस टू का ले सकते हो। एसटी के संबंध में 75, वही प्लस माइनस टू का मार्जिन ले सकते हो। ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी ये आपको मैं बता दूं, इस बार 105 के आसपास रहेगी, 105। आप देखना इसी के आसपास का आंकड़ा आपको मिलेगा आने वाले समय में। और अन्य जो भी कैटेगरी है इसके बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा, लेकिन थोड़ा मुझे वक्त दीजिए। अभी ये चार कैटेगरी के बारे में आपको बता रहा हूं, जैसे ही मैं जयपुर आऊंगा तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और मेंस की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि देखिए परीक्षाएं होती रहती है। मेंस की तैयारी ऐसा तो है नहीं कोई 6 महीने का खेल है, मेंस की तैयारी तो शुरू से की जाती है, करंट को ऐड करना होता है। इसी दिशा में हमारा जो राकेश मेहरा जी के क्लासेज है मेंस के लिए हमने कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, ऑनलाइन है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर उसे देख सकते हो। अन्य किसी भी सूचना के लिए, अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, आपका स्वागत है। अब कट ऑफ के बाद में आपसे मैं इजाजत चाहूंगा, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका पेपर खराब हुआ है, जो भी आगामी पेपर है उनकी तैयारी में जुट जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा, आप सभी को मेरा नमस्कार।